Good morning, students. We have done chapter 3 complete. Now today we will start exercise 4.1. You have to sit with your compass, ruler, in a scale, compass, pencil, eraser, ये सब लेके आप बैठेंगे, ठीक है? Construct the following quadrilateral. आपको quadrilateral construct करना है, जिसमें आपको दे रखा है AB is equal to है 4.5 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है CD है 4 सेंटीमीटर, AD है आपका 6 सेंटीमीटर और AC है 7 सेंटीमीटर. ये आपको मेजरमेंट दी हुई है. अब आपको इसका एक बनाना है डायग्राम. देखिए आप क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाना है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइड वाली शेप. तो आपको फोर साइड वाली शेप बनाने से पहले एक रफ डायग्राम बनाना है. तो रफ डायग्राम मैंने बना लिया, जैसे थोड़ा नीचे देखो, ये मैंने बना दिया रफ डायग्राम. रफ बना दिया ऐसे और नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी दे दिया. अब क्या करना है आपको, देख लीजिएगा. ये AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर. BC ये है 5.5 सेंटीमीटर. CD ये है 4 सेंटीमीटर. AD ये है 6 सेंटीमीटर. AC ये है 7 सेंटीमीटर. हो गए. अब हमें इसको देख के ये हमारा हो गया रफ, क्या हो गया, रफ डायग्राम. ठीक. अब इसको देख के हमें फेयर डायग्राम बनाना है. तो फेयर डायग्राम के लिए आप स्केल लेंगे, स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो. कितने का, 4.5 सेंटीमीटर का. अब इस पे नाम दे दो आप ए और बी. पॉइंट डाल दिया आपने ए बी. क्या करना है, ये आपको ये जो लाइन सेगमेंट है ये किससे मिल रहा है, सी पॉइंट से मिल रहा है. तो पहले अपन ये ट्रायंगल बनाएंगे. बी से आप इस कंपास में पेंसिल डालो और उसको पेंसिल डाल के उस कंपास को खोलो 5.5 सेंटीमीटर तक, स्केल पे रख के और 5.5 सेंटीमीटर तक कंपास को खोल लो. आप खोलने के बाद में 5.5 सेंटीमीटर रख के कंपास की जो नोक है वो आप रखोगे बी पॉइंट पर. किस पे रखोगे, बी पॉइंट पर. और आप आर काटोगे यूं, ठीक है, यूं. ये मेरा कट गया 5.5 सेंटीमीटर का. कहाँ से काटा मैंने, बी पॉइंट से. क्यों, क्योंकि बी पॉइंट से आ रही है 5.5. अब मैंने काटा ए से 7 का, क्योंकि ए से जा रही है 7 सी की तरफ. तो अब मैंने कंपास को, अब आप क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर खोलोगे. कितना खोलोगे, 7 सेंटीमीटर. अब ए पर कंपास की नॉक रखोगे और यू आर काट दोगे. ए पर नॉक रखे डॉट ए पॉइंट पर ही. तो ये जैसे मान लो ये कटा, हो गया. अब आपने इसको नाम दे दिया सी. नाउ अब सी पॉइंट पे आपको ये जहां दोनों कटे हैं इस जगह पॉइंट डाला. अब हमें यहां से ये सी पॉइंट मिल गया. सी से कितने का कट रहा है, 4 का. तो आप अपने कंपास को अब खोलो 4 सेंटीमीटर, अपने स्केल पे नाप लो 4 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का काट भर के कंपास की नोक रखोगे सी पर और 4 सेंटीमीटर का आर्क काटोगे. जितना भी कटेगा, जरूरी नहीं है आपका शेप मेरी तरह बने, क्योंकि मैं बिना उसके बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको. 4 सेंटीमीटर का मैंने आर्क काट दिया सी से, सी पे नोक रख के 4 सेंटीमीटर खोल के काटा. अब ये डी पॉइंट लेने के लिए कहाँ से मिल रहा है, डी पॉइंट एक तो सी से मिल रहा है और एक ए से मिल रहा है. तो ए 6 है, तो आप कंपास को खोलो 6 सेंटीमीटर. कितना खोलोगे, 6. अब 6 खोल के आप नॉक रखो ए पर और 6 सेंटीमीटर के लिए ये काट दिया. ठीक, ये पॉइंट हमें मिल गया बी पॉइंट, हो गया. अब दोनों पॉइंट मिल गए हमें. अब हमने मिला दिया सी को बी से, डी को ए से, सी को डी से और ए को सी से.
ये बन गया हमारा फेयर डायग्राम, बन गया, ये हो गया ABCD। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए तरीका देखो, डैश लगाओ, स्टेप वाइज लिखो, जैसे आपने डायग्राम बनाया। स्टेप वन, आपने स्टेप वन में क्या किया, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाया, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले वी मेक अ लाइन सेगमेंट। जैसे जैसे आपने बनाया, सॉरी वी मेक अ रफ डायग्राम बनाया ना पहले आपने, वी मेक अ रफ डायग्राम, सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम बनाया। स्टेप टू, अब स्टेप टू में फोर क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट खींचा 4.5 सेंटीमीटर का, यही बनाई थी फिर सबसे पहले। तो वी मेक या ड्रॉ लिख लो, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया 4.5 सेंटीमीटर का, क्लियर, और नाम भी दे दिया हमने, AB लिख दिया। अब हमने क्या किया था, नाम दे दो, यहाँ पे देखो ये 5.5 था, ये 4 था, ये 7 था, ये 6 था, ठीक है। अब हमने क्या किया, B से 5.5 का आर्क काटा, तो लिखेंगे स्टेप थ्री, स्टेप थ्री वी कट एन आर्क, ARC आर्क, चार इसको जो काटते हैं ना आप उसको वो आर्क बोलते हैं, तो आपने एक आर्क काटा, वी कट एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, आपने बी से 5.5 का आर्क काटा एंड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ए से 7 सेंटीमीटर, हो गए। वेयर दीज आर्क मीट, जहां ये दोनों आर्क मिले, गिव अ पॉइंट सी, हमने उसको पॉइंट क्या दे दिया, सी दे दिया। आप अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हैं, इसमें कोई रटी रटाई लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टेप फोर, अब स्टेप फोर में क्या किया, आपने सी से आर्क काटा है 4 सेंटीमीटर का, तो वी कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, 4 सेंटीमीटर का आर्क कहां से काटा था, सी से, फ्रॉम सी, सी से काटा था 4 और ए से काटा था 6 सेंटीमीटर का, कितने का, 6 का, एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ए से काटा 6 का, सी से काटा 4 का, इसका भी वही हो गया। वेयर दीज आर्क मीट, जहां ये दोनों आर्क कटे मिले, वहां हमने नाम दिया डी, डी है ना, गिव अ पॉइंट डी, वहां हमने पॉइंट दे दिया डी, क्लियर हो गया। अब स्टेप फाइव, ठीक है, अब मिला दो सिर्फ, जॉइंट B टू C, B को C से मिलाया, A टू C, A को C से मिलाया, फिर A टू D, एंड
सी टू डी और सी को भी डी से, ये लिख दिया जॉइन बी टू सी, ए टू सी एंड ए टू डी एंड सी टू डी, इन सबको मिला दिया, यानी बी टू सी बी को सी से, ए टू सी ए को सी से, सी टू डी सी को डी से, ए टू डी ए को डी से। अब लास्ट स्टेप, स्टेप फाइव, वी फाइंड क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाया ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब हमें मिला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी डायग्राम बनाने से पहले रफ डायग्राम बनाओगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से अभी आपको सारे क्वेश्चन करने, तो बाकी के मैं आपको रफ डायग्राम बना रही हूँ, उसको देख के आपको फेयर डायग्राम बनाना है। तो इसका सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल जंप बनाना, जे यू एम पी। तो देखो मैंने ये दे दिया जे यू एम पी, अब आप इसको मैं रफ बना रही हूँ, ये सेकेंड वाले का जे यू एम पी, तो आप जे यू कितने का खींचोगे, 3.5 सेंटीमीटर, यू एम ये है 4 सेंटीमीटर, एम पी ये है 5 सेंटीमीटर और पी जे ये है 4.5 सेंटीमीटर और पी यू, ये पी यू ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 3.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कीजिए। अब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ से ये वाला बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन यहाँ के लिए पॉइंट नहीं है, तो पहले ये वाला बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप जे से आर काटेंगे 4.5 का और यू से काटेंगे 6.5 का, जहाँ ये दोनों कटेंगे वहाँ आप नाम दोगे पहले पी, ध्यान रखना पहले पी आएगा। अब पी से आर काटोगे 5 सेंटीमीटर का और यू से काटोगे 4 सेंटीमीटर का, तो जहाँ ये दोनों आर कटे वहाँ नाम दोगे ये एम। अब एम को यू से, एम को पी से, पी को जे से और यू को पी से मिला दोगे, और इसी तरह से जैसे आपने बनाया है वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड, रफ डायग्राम जरूर बनेगा, थर्ड का रफ डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको, मोर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसकी एक साइड इक्वल होती है, तो ये मैंने लिख दिया जैसे मोर, एम ओ आर ई। अब इसमें आपको पैरेललोग्राम है तो यानी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इतना जान लो, तो एम ओ नहीं दे रखा इसने, तो अपन क्या करें यहाँ से हटा के आप ऊपर नाम दे देना, ऊपर ओ आर से दे रखा है तो एम ऊपर दे दो, ओ आर ई ऐसे देना। अब ओ आर यानी 6 सेंटीमीटर आप नीचे की लाइन खींचोगे, आर ई ये होगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर की, ई ओ ये होगा आपका 7.5 सेंटीमीटर का। अब आपको यहाँ आप पूछोगे कि या तो दिया ही नहीं है, तो यह पता है कि पैरेललोग्राम है तो सामने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 है तो ये भी कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब तो इजी हो गया बनाना, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा, ओ आर नाम दिया, ओ से आर्क काटा 4.5 का, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल बन रहा है इसमें पहले ये वाला ट्राइंगल बनाओगे, इसमें ये वाला और इसमें ये बनाया था अपन ने। तो देखो आर से 4.5 का आर्क काटा और ओ से काटा 7.5 का, जहाँ दोनों आर्क कटे ई दे दिया। अब ई से आर्क काटा कंपास को खोल के 6 सेंटीमीटर का और यहाँ से ओ से कंपास को खोला 4.5 का और आर काटा इस पर, तो ये हो गया 5 एम, एम पॉइंट को अब आपस में आप मिला दो, एम को ओ से, एम को ई से, ई को आर से और ई को ओ से, और ये बन जाएगा आपका थर्ड वाला पैरेललोग्राम। एक है नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ भी देख लो क्योंकि अपने को ये ख़त्म करनी है, आज हो जाएगी एक्सरसाइज, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर में रोम्बस, रोम्बस का मतलब है फोर साइड इक्वल होती है, होती है ये होती है हमारी फोर साइड इक्वल रोम्बस। अब फोर साइड इक्वल है इसमें दिया है बी ई एस टी,
तो मैंने दे दिया इसको बी ई एस टी, ठीक है, नाम दे दिया बी ई इज इक्वल टू 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर, और ई टी, ई टी ये है 6 सेंटीमीटर, तो बाकी की तो नाप है ही नहीं, तो वो अपने को पता है कि रोम्बस है, इसका मतलब है सारी साइड इक्वल है, तो यानी ये भी 4.5 की होगी, ये भी 4.5 की होगी, ये भी 4.5 की होगी, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करना है, लाइन सेगमेंट खींचोगे बी ई 4.5 सेंटीमीटर का, कंपास को खोलोगे 4.5, और आपको पता है पहले ये वाला बनेगा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ से नहीं बन रहा, यहाँ से ये लाइन इधर जा रही है, ये जहां भी लाइन जाती है ना डायगोनल उधर की तरफ बनता है, जैसे ये डायगोनल इधर जा रहा है तो पहले ये बनेगा, यहाँ डायगोनल इधर जा रहा था ये बन रहा था, अभी ये डायगोनल इधर जा रहा था ये वाला पहले बनेगा ट्राइंगल। तो पहले 4.5 का आर्क खींचा, पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर खोल के आपने आर्क काटा इधर, बी से 4.5 का आर्क काटा, तो दोनों मिल गए, वहां दे दिया आपने टी पॉइंट, टी से काटा 4.5 का और ई से काटा 4.5 का, तो ये आपका आ गया ये वाला एस, ठीक है, तो ये आपने पॉइंट दे दिया एस। अब एस को ई से मिला दो, एस को टी से मिला दो, टी को ई से मिला दो, टी को बी से मिला दो, और इस तरह से आप अपना रोम्बस बना लीजिएगा। तो और सारी स्टेप्स आपको लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से स्टेप, जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आप देख के लिख सकते हो। सो वी हैव डन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।